सभी दोस्तों को नमस्कार, जन्मदिन वालों को जी हैप्पी बर्थडे। संडे है जी, आज नवंबर का तारीख हो गई, आज 23 या 24 हो गई। तो जी वैसे आज सुबह योजना हमारी ही गाड़ी भरवाने की करने की, लेकिन वो विफल हो गई क्योंकि ट्रैक्टर फंस गया मील में सतेंद्र का। तो वो किस टाइम आएगा, कैसे कैसे योजना बनेगी आओ, वो तो खैर दिन में बताऊँगा। बहरहाल आज जिम गए नहीं है क्योंकि संडे है ही, बता ही रहा हूँ। मैं एक काम कर दिया, मैं खुद भी नहा लिया हूँ और सामने हिटलर को भी नहा दिया है। आज मिलवाता हूँ, कैसे स्वस्थ पड़ा आयो। हाँ भाई हिटलर, कैसा लग रहा है बेटे तुझे, हैं सुखा ले ऐसी बोले ले सन बात। तो ये आज का पहला टास्क तो करेंगे, ये थोड़ा चाय पोने का काम है। गाड़ी के बोल्ट हो रहे हैं ढीले, तो सबसे पहले तो उन्हें टाइट करूं, पता चला नुकसान बढ़ जाएगा, बोल्ट बोल्ट सब स्लिप हो जाएंगे, उन्हें टाइट करूं। तो ये बोल्ट इसके ढीले हैं, वो ये वाले ढीले हैं। देखो तो इसके अंदर जो गैप है ना, ये वाला, ये टाइट करना है। लचक पचक हो रही है गाड़ी कभी, देखो इतना लूज है, वो इतना हिला रहा हूँ मैं, वो तो इतना लूज है। इसे टाइट कर दूँ पहले ज़रा, we
कुल मिला के फ़िलहाल तो कर दिया मैंने सही, यहाँ का बोल्ट पीछे पहुँचा दिया क्योंकि स्लिप हो गया। अब ये बिल्कुल सही हो रही है, अब तो उठ भी ना रही। चलो फिलहाल तो ये टाइट है लेकिन ये चल चल के फिर ढीली आई, अब अगली बार बोल्ट ही बदले जाएंगे इसके। अब चल रहे हैं इस काम को, तो कई दिन से सोच रहा हूँ, टली टला फिर रहा हूँ। तो जी अब बज रहे हैं लगभग लगभग 12:30-1 बज रहा होगा लगभग लगभग। ऑक्स वैगन लेकर चल रहे हैं अपने खेत पे को, सुबह दूध पीने से ऊपर का हॉट जल गया थोड़ा सा, अब उसमें जलन सी हो रही है लगातार, कई दिन में जाकर ठीक हो गया। बाकी मैं तुम्हें आपके गांव का दिखाता हूँ थोड़ा नमूना, यो हमारा गांव पीछे रह गया और अब यो धीरे धीरे मकान बनने लगे खेतों में को, तो गांव की लंबाई हो गई हमारे की मेरे ख्याल से भाई कई किलोमीटर बैठेगा यहाँ से, अगर इस सीमाने पर लगाओ कोई दूसरे सिरे पे जिधर मैं जिम जाऊँ, बहुत लंबाई बढ़ गई, आबादी लगातार बढ़ी रही है जी, जंगल कम हो रहे हैं लगातार और कंक्रीट का काम ज़्यादा हो रहा है जंगलों में, सड़क बन रही है, मकान बनना है तो, और खाने वाले बढ़ रहे हैं, ज़मीनें कम हो रही हैं, पर फिर भी पता ना ज़मीन किसानों की कदर क्यों ना हो रही, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा पता नहीं क्यों, और मेरी ना आ रहा बहुतों में ना आ रहा। इसमें एक ही बात छोड़ी समझ में आई, इसमें सरकार जिम्मेदार है, जो भी है बैलेंस नहीं कर पाई सरकार सही से। तो जी बुग्गी छोड़ दी है खेत में, अपन चल रहे हैं पैदल परेड करते हुए घर, अब उनका ताऊ जी का चेला लिया आएगा बुग्गी अपने अगोले बगोले रख के। तो जी अगोले भी आ गए हैं, चारा पूरे पूरा पड़ लिया, बस ये होगा ठेके की छुलाई पे गन्ना काटने को मना तो कर तो दे ही है, वैसे काट तो न रहे हैं अब 38-038 में अगोला है भी तो ना करने में। बाकी जब चल रहे हैं 4 बज रहे हैं, तो कहते खड़ा कितना बोला, वह गेट खुलने का इंतजार है और भागम भाग। चल भाई ये टला रहा है साहब, पत्ती भी आ गई है अंदर डाल देंगे बाद में पशु के नीचे, चल भाई चलाओ चल। अरे दूसरे का लगभग लगभग सभी कट गया, दिखा यार हाँ 12 रुपये का सुनी मैंने, हाँ तो कट ही जाएंगे वो भी एक दो दिन में, बंद हो गई ना आज फैक्ट्री, सफाई हुई होगी कुछ। तो जी उस दिन मामा के यहाँ गया है तो गाड़ी भर रहे है वो, जिस दिन दावत में गया है मामा हमारे एक बात कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ के लोगों को टिपला भरने नहीं आते, मुझे भी ऐसी लगा है, अब ये टिपला जैसे जा रहा भरा हुआ कोई नहीं बच सकता इसमें, यहाँ से कुछ कुछ गन्ने बाहर निकले हुए हैं, ये इसकी चौड़ाई है बेहिसाब, जड़े वैसे कायदे में बाहर को होनी चाहिए लेकिन ट्रैक्टर वाले भरे ही हैं ऐसे, हमारा खुद बैंसी भर के लेके जावे बाहर को फुलची करके, वो एक तो जड़ काली दिखाई देती है इसमें, मील वाले भी तो नाटक कर रहे हैं ना, किसानों की भी दिक्कत वो है अलग वो सोचना, फिर वहाँ का कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ का तो यही चीज़ें भरे हैं जी, ये तो कुछ भी ये तो फिर भी गनीमत है कि गाँव में एक बगल गई नखेड़ा, वहाँ के टिपला तो बहुत ही बेहतरीन नाम है, वहाँ तो आदमी पैदल ना बच सकता सड़क पर, बिल्कुल फैला का लाम है बाहर को निकाल के कि गन्ना हमारा सबसे लंबा, या तो यही वजह होगी दिमाग में और क्या रहता होगा। तो जी हम कर रहे हैं वापसी, अब टेल कर आए लगभग लगभग ऐसे मान लो 1 किलोमीटर तो हो गई, बाकी हमारे पीछे हो रहा है आज ही सनसेट, सूर्य देवता भी अपने घर चल दिए, हम भी हिटलर को लेकर चल रहे हैं वापसी। बाकी आज के ब्लॉग की समाप्ति करेंगे, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सपोर्ट के लिए सबको बताइए क्या करना है।